किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत कृषि मेला में ब्लॉक संदलपुर में माननीय विधायक अजीत पाल जी, खंड विकास अधिकारी बब्बन राय, जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल, एडीओ दिनेश पांडेय, एडीओ आईएसपी आल मोहम्मद काजमी उपस्थित रहे। विधायक जी के द्वारा आवास प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा कुछ किसानों को रोटावेटर देकर सम्मानित किया गया। मकान के लिए भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो आती वहीं से ही है, तो जो उसका श्रम है उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, उसकी स्थिति के प्रति सरकार बहुत जागरूक है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि अभी 23 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ था किसान सम्मान दिवस का, ब्लॉक स्तर से लेकर के जनपद स्तर और राज्य स्तर तक किसान भाइयों को सम्मानित किया गया। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने एक सुशासन दिवस हुआ था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी के अवसर पर, बहुत बहुत यानी कि प्रदेश सरकार आपके द्वारा। इसी क्रम में विभिन्न चरणों में, 3 चरणों में पूरे प्रदेश के विकास खंडों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, जैसे माननीय मंत्री जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं अपने व्यस्ततम क्षणों में से निकाल करके आपके बीच में जब आते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी समस्याओं के प्रति सरकार जागरूक है। किसान कल्याण मिशन के कार्यक्रम के तहत हम अपने स्टाइल में लेते हैं, तो लोपा है यहाँ जी, हमारे पूर्व प्रधान हमारे भाई श्री चौबे जी, राघवेंद्र कटियार जी, विक्रू चाचा जी, विनोद नायक जी, और यहाँ पर सबसे आदरणीय मोदी जी, योगी जी किसान भाइयों को लेके निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे आदरणीय मोदी जी ने किसान भाइयों की जो आय दुगनी करने के लिए उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए। उन्होंने कहा था 2022 तक हम लोग किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कर रहे हैं, और जिनके किसान भाइयों के कच्चे मकान हैं, छत नहीं है, उनको छत दिलाने का कार्य किया जाए। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आदरणीय मोदी जी किसानों के लिए आय दुगना करने के लिए अभी उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिसमें कि एक आप छोटा सा कार्यक्रम बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों किसानों की अपनी आय वृद्धि करनी है तो पालन कर सकते हैं, उससे भी अपनी आप लोग आय बढ़ा सकते हैं। किसानी तो कर ही रहे हैं, किसानी के साथ साथ उसको अगर आप और आगे बढ़ना है और दुगनी करनी है, आपको ये अलग से काम शुरू करने चाहिए।